तो अब बात करते हैं हमारे एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो आपका होता है, ये होता है आपका पेपर नंबर 8। सीए इंटर पेपर नंबर 8 की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगेन ये पेपर जो होता है 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल पोर्शन जो कि 60 मार्क्स का होता है। ठीक बात है, और इसमें अगर देखें तो प्योरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होता है। सेकेंडली जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है सीए इंटर में, मतलब आईपीसीसी जो हुआ करता था पहले उसमें ये नहीं था, सीए इंटर में कुछ नया इंटर हुआ है और वो क्या है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है, और ये होता है हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं और अलग अलग चैप्टर्स के अंदर फिर कुछ यूनिट्स होती है, पर जो ब्रॉडली देखें अपन तो 4 चैप्टर इसके अंदर है ना। ओके, तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस और दूसरा है अपना ये प्रैक्टिकल पोर्शन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर मेनली डिस्कशन करता है। ठीक है, अब बात है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो यार जैसा नाम वैसा ही काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मतलब होता है मैनेजमेंट फॉर फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना। अब सर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मतलब क्या, तो इसमें मेनली 2 बातें आती हैं। पहली बात, पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं। ठीक है, और दूसरी बात आती है उस पैसे का, पैसे को कहां लगाएं, क्या यूज करें उस पैसे का। ठीक है, तो पैसा कहां से लाएं भाई, पैसा कहां से लाएं, इसको अपन एफएम की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। ठीक है, पैसा कहां से लाएं। ठीक है, और इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके, मतलब पैसा कहां लगाएं, पैसे का यूज कहां पर करें। ठीक है, तो जब अपन फाइनेंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि पैसा कहां से लाएं, कहां लगाएं। ठीक है, मेनली इन 2 चीजों पर बात कर रहे होते हैं। अब सर पैसा कहां से लाएं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सर उधार ले लो। तो सर ऐसा नहीं है, पैसा कहां से लाएं, पैसा लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन से सोर्स को सिलेक्ट करें, ऐसा कुछ भी तो हो सकता है ना। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में कहां पैसा लगाना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की। जब आप पैसा कहीं से लाएंगे तो आपके मन में पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि यार पैसा सस्ते में मिल जाना चाहिए, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा सर ये कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस। जो आप अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हो, आप अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हो वो कैपिटल होता है ना। तो अब सर आप कैपिटल जब बिजनेस में लगाओगे तो कहीं ना कहीं से तो लाओगे, तो जहां से भी लाओगे तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि यार सस्ते रेट पर पैसा मिल जाए, महंगा ना पड़े लोन, है ना, चीपर रेट पर हमें लोन मिल जाए या पैसा मिल जाए और फिर हम उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा दें। तो पहला आप क्या ध्यान रखोगे कि यार प्रोक्योर करते समय, फंड को प्रोक्योर करते समय हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखना है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ठीक बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या भाई, पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं, डेट से पैसा लाएं या इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लाएं
या रिजर्व एंड सरप्लस जो ऑलरेडी कमाकर बचाकर रखा हुआ था वो वाला पैसा लगा दें क्या, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करें क्या। तो अलग-अलग सोर्सेस हो सकते हैं पैसे को लाने के। अभी हम बिजनेस में का जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो कैसा रखें, मतलब क्या करें, 50% डेट कर दें और 50% इक्विटी शेयर कैपिटल कर दें, या फिर डेट 25% कर दें, इसको 25 कर दें, इसको 25 कर दें और इसको 85 रहने दें, ऐसा कुछ। तो अलग-अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोन लेना भी दिक्कत की बात है भाई, आप भी जानते हो कि डेट इक्विटी रेशियो अगर किसी का बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एंटिटी रिस्की हो जाती है। रिस्की क्यों हो जाती है, कि भाई आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन ज्यादा है, कल के दिन यदि आप कभी किसी ईयर में अच्छा अमाउंट नहीं कमा पाए और आप इंटरेस्ट नहीं चुका पाए तो खत्म, एंटिटी बंद हो जाएगी। ठीक बात है, मतलब आप लिक्विडेट हो सकते हैं, इस टाइप की रिस्क आपके साथ रहेगी, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक बात है, ओके। और आगे बात करते हैं, और हमें क्या ध्यान में रखना है भाई। अच्छा, इन सारी बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जैसे आपके सिलेबस में एक चैप्टर ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है। कोई पैसा आपने कहीं से उठाया तो उसका रेट कितना हमें पड़ रहा है, किस रेट पर हमने वो पैसा उठाया है, वो उसका कैलकुलेशन ही हम सीखेंगे इस चैप्टर में, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखें, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर रखने के फायदे क्या हैं, है ना, सारी बातें हैं जो अपन इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक बात है, और क्या जानना है हमें, और अपन बात करें तो एक चैप्टर होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस करके, सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें, अच्छा ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बताया है कि बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। ठीक बात है, तो उन सबको उन्होंने समझाया है इस पूरे चैप्टर में, तो एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, पर उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि कहाँ कहाँ से आप पैसा उठा सकते हैं बिजनेस के लिए, है ना, ओके। और एक लास्टली आता है लिवरेज, एक और चैप्टर आता है लिवरेज। अच्छा, ये चैप्टर इस बारे में बात करेगा कि अगर आप कभी एक्सटर्नल सोर्सेस से पैसा उठाते हो, एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं कहना चाहिए, अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप फिक्स्ड चार्ज बियरिंग कैपिटल, फिक्स्ड चार्ज बियरिंग कैपिटल से आप पैसा उठाते हैं। सर ये फिक्स्ड चार्ज बियरिंग कैपिटल क्या होता है, ये अपन बोल सकते हैं डेट, डेट पर एक फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है, और दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें आपको फिक्स रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाना होता है। तो अगर आपने किसी फिक्स रेट वाली कैपिटल से पैसा उठाया है, डेट से पैसा उठाया है, तो उस केस में कुछ रिस्क होगी और कुछ एडवांटेज होगा। सर रिस्क क्या होती है, रिस्क ये होती है कि अगर मान लो आपने लोन से पैसा उठाया या प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया, आप कमाओ या ना कमाओ नॉर्मली आपको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एक वो होता है कि यार ठीक है, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड तभी देना पड़ेगा जब प्रॉफिट कमाएंगे, पर ठीक है अगर आप नहीं दोगे तो क्यूमुलेट होता जाता है वो, बाद में कई बार प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर उन्हें वोटिंग राइट्स मिलने लगते हैं, बहुत सारे इशूज बनते हैं, है ना। हालांकि मेनली अपन डेट को कंसिडर कर रहे हैं। तो भाई जब आप किसी से पैसा उठाते हो तो उसमें रिस्क क्या होती है, रिस्क ये होती है कि आप कमाओ या ना कमाओ आपको इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा ना, तो ये रिस्क होती है। एडवांटेज क्या होता है, आप बहुत ज्यादा भी कमाओगे ना तो भी आपको केवल उतना ही चुकाना है जिस रेट से आपने पैसा उठाया है। सपोज आपने 1 लाख रुपए उठाए, उस पर 10% चुकाना है तो 10%, 10,000 होता है तो 10,000 ही चुकाना है, अब चाहे आप 50,000 कमाओ या 80,000 कमाओ या 90,000 कमाओ, उतना ही चुकाना है। ठीक बात है, तो रिस्क और एडवांटेज के बारे में चर्चा करेगा लिवरेज, है ना। तो देखा जाए तो चार चैप्टर हमारे आपके सामने आ चुके हैं। पहली बात हम बात कर रहे थे कहां पर, कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा उठाते समय किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और उन्हीं पर चार चैप्टर हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल आपने लगाई है, जो पैसा आपने उठाया है, उसका रेट क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या है, किस रेट पर आपने पैसा उठाकर अपने बिजनेस में लगाया है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखें, डेट का परसेंट कितना रखें, इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंट कितना रखें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंट कितना रखें, रिजर्व एंड सरप्लस का परसेंट कितना रखें, है ना, ठीक है। और इसके ऊपर अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर एक थ्योरिटिकल चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी बातें बताई जाएंगी कि कहाँ कहाँ से हम पैसा उठा सकते हैं।
इसके अलावा लिवरेज में मैंने बात करी, लिवरेज चैप्टर का क्या यूज है भाई, एक जनरल बता रहा हूँ, फिर तो अपन डिटेल में पूरा चैप्टर ही है तो पढ़ना ही है। लिवरेज में अपन ने पढ़ा कि यार भाई फिक्स चार्ज बियरिंग कैपिटल से अगर आप पैसा उठाते हो, जैसे कि डेट या प्रेफरेंस शेयर से आप पैसा उठाते हो, इसमें कुछ रिस्क होता है, कुछ एडवांटेज होता है, उसको प्रॉपर तरीके से वो समझाएंगे क्या सही है क्या गलत है, वो इस चैप्टर में बताएंगे। कब लोन लेकर बिजनेस करना अच्छा है, कब नहीं है, ऐसी कुछ बातें लिवरेज चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना। ओके, अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की, भाई पैसे का यूज कहाँ करें। तो इसके भी तीन ऑप्शन है आपके पास भाई, देखो क्या क्या कर सकते हैं हम, आराम से सुनिए। पहली बात क्या है भाई, देखो पहला हो जाएगा इसमें आपका कैपिटल बजटिंग, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इसे एक और नाम दिया गया है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो भाई यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या होगा, कैसे करें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो एक प्रॉपर चैप्टर बनाया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम जानेंगे कि पैसा कहाँ लगाएं, पैसा प्रोजेक्ट ए में लगाएं या बी में लगाएं या दोनों में ही ना लगाएं, ठीक बात है। तो कुछ इस तरीके की बात है कि पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, इस टाइप की बातें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, ठीक है। आप जितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, उतना अच्छा फंड का यूज होगा, तो उतना ज्यादा आप कमाएंगे, है ना। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा भाई एक नया चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, मतलब सीए इंटर में ऐड किया गया है, पहले नहीं होता था, पहले ये सीए फाइनल में हुआ करता था, है ना। और उसका नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क एनालिसिस, एक सेकेंड इसको अपन थोड़ा सा कम कर देते, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये चैप्टर एक एडिशनल ऐड किया गया है ना, तो इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी इसको समझाना काफी लंबा काम हो जाएगा, है ना। तो एक हो गया कैपिटल बजटिंग और एक हो गया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, मतलब पहले तो हम इस चैप्टर में ये सीख लेंगे कि पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, और फिर इसी चैप्टर में कुछ एडिशनल पार्ट जोड़ा जाएगा रिस्क का, है ना, तो उसको नाम दे दिया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ओके, और आगे चलते हैं भाई, अगली बात क्या है, वर्किंग कैपिटल, और कहाँ हम पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया वर्किंग कैपिटल, ठीक बात है। तो भाई आप बताइए, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक तो आप बड़ा इक्विपमेंट खरीदते हैं, मतलब फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाते हैं, लाइक प्लांट इक्विपमेंट बिल्डिंग या कुछ और हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आप वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हैं, मतलब अगर आपको बिजनेस रन करना है तो फिक्स्ड कैपिटल के साथ कुछ वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए ना, वर्क करने के लिए भी तो कैपिटल होना चाहिए, लाइक अगर आपको आपके डे टू डे ऑपरेशन चलाने हैं, जैसे कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स है या सैलरी वेजेस का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ भी ऐसे अमाउंट है, इनके लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ फंड रखना पड़ेगा। केवल प्लांट मशीन या बिल्डिंग से अपने आप थोड़ी ना बिजनेस चलता रहेगा, है ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा रखना पड़ेगा, ठीक बात है। ओके, और आगे चलते हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को आपने सुना होगा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है ना। ओके, और आगे चलते हैं, तो अपन बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। आपने जो पैसा कमाया है, उस पैसे को आप क्या करें, पूरा बांट दें या ना बांटें, जैसे आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं सेक्शन 123 से लेकर 128 तक, उसमें पूरा डिविडेंड के बारे में बताया है। तो अपन जानते हैं कि यार जो कंपनी होती है वो जितना भी प्रॉफिट कमाती है, हो सकता है वो पूरा बांट दे, हो सकता है वो आधा बांटे, हो सकता है वो 70% बांटे, तो डिविडेंड डिसीजन लेना होता है कि कितना डिविडेंड बांटना है कितना डिविडेंड नहीं बांटना है। तो सर इसमें क्या है, सर कुछ भी कर, ऐसा नहीं है, अपन इस चैप्टर में ये जानेंगे कि डिविडेंड पूरा बांटने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, पूरा ना बांटने के क्या फायदे या नुकसान है, कितना बांटे कितना ना बांटे, डिविडेंड बांटने से क्या फर्क पड़ता है शेयर के प्राइस पर, नहीं बांटने पर शेयर के प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है, कब डिविडेंड बांटना चाहिए कब नहीं बांटना चाहिए, सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर कंक्लूड करें तो अपन ने देखा कि यार मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस में दो बातें की अपन ने, कि पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है। तो पैसा लाते समय ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा ना हो, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, फिर लिवरेज मतलब रिस्क और एडवांटेज को कैसे आपको मैनेज करना है, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में अपन ने बात करी कि भाई फंड को कहाँ लगाना है, तो भाई उसके लिए एक चैप्टर उन्होंने बना दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कौन सी मशीन में पैसा लगाना है कौन सी मशीन में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। उसी के साथ एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग,
ठीक है, मतलब कैपिटल वेस्टिंग में एक और एलिमेंट जोड़ दिया, रिस्क का एनालिसिस भी करेंगे अब कैपिटल वेस्टिंग में, है ना, तो वो एक और चैप्टर हो गया। फिर वर्किंग कैपिटल, भाई बिजनेस बिना वर्किंग कैपिटल के थोड़ी ना चल सकता है, जैसे बॉडी में ब्लड का काम होता है ऐसी वर्किंग कैपिटल का काम होता है एक बिजनेस में, है ना, बिना वर्किंग कैपिटल के कोई बिजनेस नहीं चल सकता है, ठीक है। और फाइनली डिविडेंड डिसीजन, जो आपने कमाया है वो पूरा बांट दिया जाए या ना बांटा जाए, क्या करना है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं दोनों फंक्शन को एक साथ कंसिडर करूं, मतलब प्रोक्योरमेंट फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सब आपने कर लिया, अगर आपने ये दोनों बेहतरीन करे हैं, इन दोनों कामों को बहुत अच्छे से किया है, नहीं किया है, कौन से दोनों काम, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड प्रॉपर किया है आपने, मतलब आपका जो एंटिटी का फाइनेंस मैनेजर है उसने कितना बढ़िया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करा है और कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करा है, अगर दोनों काम अच्छे से करेंगे तो अपन कहेंगे कि यार उसने मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बहुत अच्छे से करा है, ठीक है। अच्छा, इसको इवेल्युएट करने का मतलब इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, किसी भी एंटिटी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए एक और चैप्टर आपके पास है और उसका नाम है रेशियो एनालिसिस, जो हमें पढ़ना है, ठीक बात है। क्या नाम है? रेशियो एनालिसिस। आपने ये 11 12th में भी थोड़ा बहुत सुना होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, वो क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है या डिक्लाइन में जा रही है, सारी बातें अपन इस चैप्टर में समझते हैं ना। तो ऐसा करके देखा जाए तो ये पूरा सिलेबस अब आपके सामने है। तो ये तो हो गया सिलेबस का इंट्रोडक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उस पर एक जनरल डिस्कशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सुनिए, अपन अभी जो आगे जो भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक जरूरी बात है जो आपको बता देता हूँ, जो मेन एक कॉन्सेप्ट है जो हमें बार बार काम में आता रहेगा। तो एक स्टेटमेंट बताने वाला हूँ जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या नाम है? इनकम स्टेटमेंट। देखिए, अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपको चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद, चैप्टर मतलब सॉरी आपके सिलेबस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर सिक्वेंस में चैप्टर्स कराऊंगा, पर उनको स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक बातें जो मुझे बतानी है वो मैं बता देता हूँ, फिर अपन चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे, है ना। तो भाई इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो यू समझ लीजिए जैसे कि कॉस्ट में कॉस्ट शीट होता है, या यू कहिए कि अकाउंट्स में P&L अकाउंट होता है, वैसे ही FM में क्या चलता है, इनकम स्टेटमेंट चलता है। कॉस्ट में आप देखना कॉस्ट शीट प्रॉफिट बता देती है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट्स में प्रॉफिट बता देता है, FM में अपन इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकाल देते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना, ठीक है। देखिए भाई इनकम स्टेटमेंट होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, पूरे FM में बार बार यूज होता रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से यदि अपन वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। सर इसे प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते? अगर सेल्स में से आप ऑल कॉस्ट घटा दोगे, मतलब वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, अगर आप सारी कॉस्ट घटा देते हैं तो फिर तो प्रॉफिट आ जाएगा, पर सिंस अभी फिक्स कॉस्ट घटाना बाकी है तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते, तो हमने नाम दे दिया कॉन्ट्रीब्यूशन। ये नाम आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सुना होगा, है ना। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। एक नाम दे दिया अपन ने, है ना, प्रॉफिट नहीं बोल सकते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन बोल दिया। फिर इसमें से घटाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या घटाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तब जो आता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। पर एक और नाम बहुत फेमस है इसका, और वो क्या है? अर्निंग बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं EBIT। क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT, ठीक है। तो सपोज सेल्स है आपकी 100,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 70,000, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 30,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट है सपोज आपकी 10,000, तो आपका जो EBIT या फिर जो प्रॉफिट आ गया उसे वो हो जाएगा कितना, 20,000, ठीक है। अच्छा सर इसको EBIT क्यों बोलते हैं? आप ध्यान से पढ़िए इस नाम को, अर्निंग बिफोर, तो प्रॉफिट तो ये है, तो अर्निंग बिफोर या प्रॉफिट बिफोर, अर्निंग और प्रॉफिट एक ही बात है ना, सो प्रॉफिट बिफोर या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्योंकि देखो अभी इस प्रॉफिट में से ना तो हमने इंटरेस्ट घटाया है और ना ही हमने टैक्सेस घटाए हैं, तो इसलिए इस प्रॉफिट को क्या नाम दे दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट और टैक्स घटाना बाकी है। अब क्या करूं, इसमें से क्या करूं, इंटरेस्ट हटा दो, इंटरेस्ट का खर्चा घटा दो,
तो अब इसका नाम क्या होगा? सपोज इंटरेस्ट है आपका 5,000 रुपये, ठीक है? तो अब बताइए आप, अगर इंटरेस्ट है आपका 5,000 रुपये है, तो ये बचेगा कितना? 15,000। बताइए इसे क्या नाम दें? सिंपल, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, बिफोर टैक्सेस, क्योंकि अभी टैक्स घटाना बाकी है। इंटरेस्ट घटा दिया तो अब क्या, अब तो ईवीआईटी तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए अब नाम क्या बोल दिया? अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है? अभी टैक्स घटाना फिर भी बाकी है, इसमें से घटा देते हैं क्या टैक्सेस। सपोज टैक्सेस हैं 30%, तो 15,000 का 30% कितना होगा? 4,500 है ना, 4,500। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 10,500, है ना, 10,500 आ जाएगा। 15,000 में से 4,500 गया तो 10,500। अच्छा, इसको नाम क्या देंगे भाई? इसको नाम दिया जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या नाम दिया जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि अब तो टैक्सेस हमने घटा दिए, तो इसे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है? और आगे चलते हैं भाई। अब सर आप बताइए, जब टैक्सेस भी चुका दिए हमने, इंटरेस्ट भी चुका दिया, सारे खर्चे वर्चे भी घटा दिए, सब हमने कर दिया, अब जो प्रॉफिट बचा है बताइए वो किसका होता है? तो सर वो होता है ओनर्स का। अभी ओनर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर पहले किसको पेमेंट करते हैं? ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नाम ही है प्रेफरेंस, जिसको पहले प्रेफरेंस दिया जाए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या पे करते हैं सर इनको अपन? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पे कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या पे कर दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना? अपन कुछ भी मान लेते हैं, सपोज अपन मान लेते हैं 2,500 रुपये पे कर दिया, ठीक है? 2,500 रुपये का हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया। बताइए कितना बचा? ये बचा 8,000 रुपये, ठीक है? अब इसको नाम क्या दें सर? बड़ा सिंपल नाम, देखना आप ध्यान से सुनना नाम को, है ना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आप नाम को ध्यान से सोच कर देख लो भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा मिल चुका है, उनको उनका पैसा उनको अपन ने दे दिया है, अभी जो बचा वो किसके लिए अवेलेबल है? अब तो सर केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बचे हैं, तो नाम क्या दे दिया? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 8,000 रुपये, है ना। अब सर क्या ये 8,000 रुपये पूरा बांट दिया जाएगा या फिर कुछ बचा लिया जाएगा? दोनों बातें हो सकती है सर, हो सकता है पूरा बांट दें और हो सकता है कुछ बचा लें। अभी अपन मान के चलते हैं कि वो पूरा बांट रहे हैं ना, है ना। अभी क्या है, इसमें डिवाइड कर देते हैं अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सपोज 8,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या आ जाएगा ये? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया है। तो 8,000 रुपये कमाए और 8,000 शेयर होल्डर से, तो एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 1 रुपया। क्या आ जाएगा? ₹1 अर्निंग पर शेयर, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे एंगल से भी हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं क्या करता, ये जो यहां का पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं। सपोज ये है आपका क्या, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मान लीजिए 8,000 है, ठीक है? अब मान लो इसमें से पूरा डिविडेंड के रूप में हम नहीं पे कर रहे, कंपनी ने 8,000 रुपये कमाया हमने पूरा पे नहीं करना है। सपोज हमने पे करा डिविडेंड के रूप में कितना? हमने पे करा सपोज 5,000 रुपये, ठीक है, या 4,000 रुपये कर देते हैं, सिंपल 4,000 रुपये हमने पे करा। तो आप देखना जो बचा उसे क्या नाम देंगे, वैसे कितना बचा? 4,000 बचा, इसको नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग, इसे नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ठीक बात है। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर मैंने ईपीएस निकाल के बताया, यहां पर रिटेन्ड अर्निंग निकाल के बताई। 8,000 रुपये इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए बचे थे, उसमें से 4,000 उनको बांट दिए, 4,000 रुपये रिटेन करके रख लिए, इसलिए नाम दे दिया रिटेन्ड अर्निंग, ठीक बात है। अच्छा, यहां से एक बात और समझ में आती है कि आप जो भी कमाते हैं, सपोज आपने 8,000 रुपये कमाए, है ना, इस 8,000 में से आपने क्या करा, 4,000 क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,000 आपने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो बचा हुआ 4,000 है वो क्या करा है आपने, रिटेन करके रख लिया है, ठीक बात है। तो इसी वजह से एक रेशियो बन जाता है यहां पर, वो रेशियो क्या बन जाता है, इसे कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या कहा जाता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक
ठीक है। आप सोचो 8,000 रुपये कंपनी ने कमाए, उसमें से 4,000 रुपये इक्विटी शोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। मतलब बताओ कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50%। कैसे निकाला, 4,000 डिवाइड बाय 8,000 × 100, 8,000 में से 4,000 बांट दिए, मतलब 50% पैसा बांट दिया। इस 50% को कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। अब सर बचा हुआ 4,000 आपने रिटेन करके रख लिया है, तो इसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। क्या कहा जाता है, रिटेन्ड अर्निंग रेशियो। तो बताइए आपने 8,000 में से 4,000 बचा कर रख लिए, तो 8,000 में 4,000 कितना परसेंट हुआ, 50% हुआ, तो आपका रिटेन्ड अर्निंग रेशियो क्या है, 50% है। तो ये इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। इसका यूज बहुत मतलब पूरा एफएम में होता ही रहेगा, तो एक छोटी सी जानकारी थी जो हमें बहुत जरूरी थी, ठीक बात है, ओके।